हम्द व सना उस रब के लिए जिसकी रहमत नेमत और मगफरत का फैज़ान कभी रुकता नहीं। दुआ है मेरा पाक परवरदिगार आपका और हम सबका दामन खुशियों से भर दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ पे जो मैं तैयारियाँ कर रही हूँ ये हैं मालीन की बर्थडे की तैयारियाँ। मालीन माशाल्लाह 10 साल की हो गई हैं, तो इसकी इनके फ्रेंड्स के साथ हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करना जा रहे थे, तो उसी के लिए मैंने तैयारियाँ एक दिन पहले शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे मैं चिकन बेक जो करना है उसका मसाला बनाया था, और जो बिरयानी मैंने बनानी थी ये उसके लिए मैं मसाला बना रही हूँ। काफ़ी चीज़ें बनानी हैं मुझे, तो इसलिए मैंने एक दिन पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। सैटरडे को पार्टी है, फ्राइडे को मैंने ये चिकन बेक जो करना है उसका मसाला लगा दिया था। बिरयानी का जो है वो मसाला बना के रख दिया था, यानी कोरमा, और आलू बॉईल कर दिए थे, और काफ़ी सारी चीज़ें बना दी थी क्योंकि मैं इस दफ़ा अकेली काम करने वाली थी। पहले हमेशा अली हसनैन या फराज़ या एहसन, स्पेशली जो लास्ट बजे में मेरी उसने बहुत हेल्प की, वो थे मेरे साथ, तो मेरी काफ़ी मुझे हेल्प हो जाती थी नीचे से चीज़ें लाना या ऊपर रखना या डेकोरेशन करना। तो इस दफ़ा मैं अकेली थी, तो इसलिए मैंने पहले ही ये सारी तैयारियाँ शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर सारी चिकन को भी मसाला लग चुका है और यहाँ कटिंग वटिंग भी हो रही है, और ये जो मैंने बिरयानी के लिए कोरमा बनाया था वो भी रेडी हो चुका है। तो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा था इसलिए मुझे थोड़ा वो हो रहा था कि पता नहीं मुझसे बन पाएगी या नहीं, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि बहुत अच्छा सब कुछ बन गया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने साथ बनानी थी निहारी, तो निहारी जो है वो भी बहुत मज़े की बनी थी। तो सिंपली जो मैं प्याज ब्राउन करके उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, गोश्त डाल दिया था, और जो है वो फिर उसको थोड़ा सा भून के उसमें निहारी मसाला डाल देंगे। तो ये बड़ी जल्दी इजी रेसिपी है, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा था इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा था। उसके बाद जो है मैंने चिकन जो बेक करना था उसको वो सबसे पहले ओवन में डाल दिया था कि वो ज़्यादा थे इसलिए 2 दफ़ा हमें पकाना पड़ना था। दही भल्ले भी बन के थे और यहाँ चने चाट की तैयारी हो रही है, तो वो सारी कटिंग वगैरह करके जल्दी जल्दी मैंने सुबह उठते ही सारे काम स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि आज टाइम जो था वो 1 बजे का था। तो मुझे 1 बजे से पहले सारी घर की सफाइयाँ भी करनी थी और ये सारी चीज़ें भी तैयार करनी थी। तो चलते हैं अब ऊपर। सारी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और मारी सफ़ा भी तैयार हो गई है। पहले मैंने दूसरा फ्रॉक पहना है, मैं भी हो चुकी हूँ तैयार। पर्पल ड्रेस मैंने पहना है डेकू के साथ, मालिन सफ़ा का भी पर्पल ही है, स्किन है, सॉरी स्किन और पर्पल। तो अभी ऊपर सूरत हाल देख लेते हैं। वही हमने इंतज़ाम इस तरह रखा है, जेंट्स का नीचे और लेडीज़ हम लोग ऊपर बैठेंगी। तो ये फाइनल टच देखें जी। अब मैंने बस नीचे के फ्लोर की सफाई होगी, अब ऊपर के फ्लोर की सफाई करूँगी जल्दी जल्दी। और किचन को देख लेते हैं, किचन में क्या है। किचन में भी काफ़ी काम पड़ा है, ये सब मुझे करना है, जल्दी जल्दी मैं कर लेती। जल्दी से मैंने सफाइयाँ की, सफाइयाँ अभी मेरी कंप्लीट हुई थी तो मेरी दोस्तें आना शुरू हो गई थी। ये मेरी दोस्त लुबना है, उसने मालीन के लिए 10वीं बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए, और मालीन ने जो 30वां पारा हिफ्ज़ किया, सूरह यासीन, सूरह मुल्क, सूरह रहमान, सूरह वाक़िया, सूरह जुम्मा और सूरह मुज़म्मिल, वो सारा कुछ इसने उसके ऊपर लिखा हुआ था, और बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त गिफ्ट बना के लेके आई थी। देख के बड़ी खुशी हुई थी, और ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यादगार टाइप बन जाती हैं। तो यहाँ चिकन नगर्स और फ्राइज़ को फ्राई किया था, और फ़िश को मैंने जो है वो उसमें एयर फ्रायर में बना लिया था। बिरयानी के लिए जो है वो चावल बॉयल कर रहे हैं, साथ साथ चीज़ें फ्राई हो रही हैं, कोरमा बन रहा है, सारी चीज़ें साथ साथ हो रही थी। यहाँ मेरी दोस्त सबा और रिदा मेरी हेल्प कर रही थी साथ, तो हेल्प के साथ फिर थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। पहले मैंने सारी चीज़ें जो ठंडी खाई जाती हैं वो बना के रख ली थी, जो गरम गरम खाई जाती हैं उनको फिर बंदा एंड टाइम पे ही बनाता है जब मेहमान आने में आधा घंटा रह जाए। तो ये यहाँ पे देखें जी, बिरयानी को अब तय लग रही है, तो क्वांटिटी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा थी, और इसलिए फिर ज़्यादा चीज़ बनाने में थोड़ा वो डर भी लग रहा होता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए या टेस्ट में वो फ़र्क ना आ जाए, नमक मिर्ची में कोई फ़र्क ना रह जाए, क्योंकि ये सारा घर में जब बनता है तो वो अंदाजे से ही बनता है।
तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 किलो गोश्त लिया था और 2 किलो मैंने 2.5 किलो चावल लिए थे, तो उसकी मैंने बनाई थी यहाँ बिरयानी। और यहाँ पे देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह मालीन का केक बन के आ चुका है। तो मालीन ने, जैसे कि हिजाब इज़ माई क्राउन, माँ थीम था हमारा, मतलब पर्पल और वाइट, और मालीन अभी हिजाबी है, यही का थीम था। और इसने पर्पल और वाइट रखा हुआ था, सारा डिसाइड करके। इसका फेवरेट कलर है ये पर्पल। तो माशाल्लाह ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। ओवरऑल ये सारी मैचिंग बड़ी प्यारी लग रही है। और ये सफ़ा और इसके पापा ने सारी चीज़ें की थी। अब यहाँ पे जी ज़रदा भी बना है, ज़रदा मेरी बाजी बना के लेके आई थी। और आप जो इतने बड़े बड़े देच के थे कि मुझसे तो अकेले उठा के कुछ भी काम नहीं हो रहा था, इतने वज़नी थे। तो फिर इजाज़ ने, ताहिर भाई ने और शाहिद भाई ने जो है वो सारी चीज़ें डिश आउट की। यहाँ पे बिरयानी डाली जा रही है, ज़रदा डाल चुका है, और अब जो है निहारी डाल लेते हैं। ये देखें कितनी मज़े की दिख रही है ये जी। अब निहारी का टाइम है, देखें निहार भी बड़ी वाली देचकी के साथ डाला जा रहा है, चाय वाली, क्योंकि माशाल्लाह क्वांटिटी ज़्यादा थी। हम लोग तकरीबन 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 50-60 लोग होंगे कुल मिला के। तो सारों ने माशाल्लाह इंजॉय किया। यहाँ पे देखें जी हमारा दस्तरखान, यहाँ पे फ्रूट चाट है, सैलड है, फ़िश स्टेप्शन है, दही भल्ले हैं, चिकन बेक है, ज़रदा है, बिरयानी है, निहारी है, और फ्रेंच फ्राइज़ हैं, और जो है वो यमी रेडी यमी हो चना गया चटनी। ये है तो सफा अलहमदुलिल्लाह हटो, सुबह दही मैंने जो है भल्ले, सलाद फिश, था, सलाद, फ्रूट चने का चाट, सालन बनाया हुआ था, और रायता ये था, निहारी है, चिकन नगर्स भी थे बच्चों के लिए। ये था आज का मेन्यू। चिकन अलहमदुलिल्लाह बेक सब कुछ ही, माशाल्लाह माशाल्लाह सब कुछ ही बोली था बहुत वीडियो टेस्टी बना था। सर खींचा दोस्तों यही कह रही थी क्योंकि दो। बनाते हुए वही हो रहा था, इतना कुछ बनता है तो कुछ कमी पेशी ना रह जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे आप केक कटने की बारी आ चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि मालीन को इनकी दोस्तों ने और इनकी प्यारी प्यारी छोटी बहन सफ़ा ने किस तरह विश किया। चलें देखते हैं। आप भी प्लीज़ मेरी मालीन बेटी के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हर बेटी को खुश बनाए, नेक बनाए, नसीब अच्छी करे, और आम पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। ये देखें इस पे लिखा हुआ है 10th birthday, कॉन्ग्रेचुलेशन मालीन कंप्लीटिंग योर 30वां पारा। और इसमें जो जो सूरतें माशाल्लाह इसने हिफ्ज की हैं, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। और ये मालीन की डेको है, ये देखें। मालीन आपसे खड़ी हो ना, थोड़ा आगे आ जाओ। अल्लाहु अल्लाहु हैप्पी बर्थडे टू यू, अल्लाहु अल्लाहु हैप्पी बर्थडे टू यू, अल्लाहु अल्लाहु हैप्पी बर्थडे टू यू, अल्लाहु अल्लाहु हैप्पी बर्थडे टू यू। जी माशाल्लाह सफ़ा ने ये मालीन के लिए स्पेशल कहा था कि मैं इस तरह विश करूँगी। तो अल्लाह का शुक्र है, जहाँ अल्लाह का जिक्र हो वहाँ तो सब कुछ ही आसान हो जाता है। तो इसमें भी मैंने अब मरवा की बारी। बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। Thank you.
अल्हम्दुलिल्लाह सुमा, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मालिन ने केक कटिंग कर ली थी। अब जो है बच्चों को केक खाने का बड़ा बेचैनी से इंतज़ार था, क्योंकि वो दिखने में इतना यमी यमी लग रहा था, तो खाने में कैसा होगा। हाँ जी, केक खाने में भी बहुत टेस्टी था। थैंक यू सो मच, जज़ाकुमुल्लाह खैर मदिया स्वीट हार्ट, हमेशा तुम बहुत मज़े के केक बनाती हो। और यहाँ पे देखें इतनी मेहनत करती है ये, इतने मज़े का टेस्ट भी होता है, और डेकोरेशन की तो बात ही छोड़ दें। सफ़ा की बर्थडे का भी केक देखा होगा कि कितना प्यारा था, और यह मालिन की बर्थडे का भी केक बहुत ही लजीज और बहुत ही खूबसूरत था। जिस तरह का मैं इसको बोलती हूँ हमेशा, वो उससे बढ़ के बनाती है माशाल्लाह। बच्चों को भी इतना मज़े का केक लगा था, बड़ों को भी इतना मज़े का लगा था, चीनी भी मुनासिब थी कि मैंने भी थोड़ा सा खा लिया था, और जो है वो बच्चे एक दफा लेके बार बार कतील कर रहे थे। सारे हेलो करो, चलो। और ये एक उबैद जो है मालिन को गिफ्ट देने आ रहा है। मालिन को हैप्पी बर्थडे। मालिन आप थैंक यू उबैद, पाली खा दो एक। मम्मा ने दिया और आपने क्या दिए? बोलो, उबैद ने भी दिया। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पार्टी चल रही थी, और यहाँ पे जेंट्स खाना खा रहे थे, और ये देखें गार्डन में कैसे गाड़ियाँ पार्क की गई हैं। और यहाँ पे आप सब दोस्त ने मिल के केक खा रही थी, चाय पी रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह इंजॉय कर रहे थे। अब आपका दिल करता है आपसे हम बातें करें? हमारा क्यूट सा छोटे से मुन्ने शिजादे गुड्डू माशाल्लाह, इसका दिल करता है बड़ा हो रहा है कि मैं से सारी बातें करें। यहाँ पे अब मालिन जो है वो अपने गिफ्ट ओपन करने लगी थी, क्योंकि बच्चों को ये वाला टाइम बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मुझे जो है वो अब गिफ्ट ओपन करने हैं, कि मुझे क्या क्या मिला है। ज़्यादातर मालिन को कैश ही मिला था, क्योंकि माशाल्लाह मालिन बड़ी होगी अब, खिलौनों से तो इसने खेलना नहीं होता ज़्यादा। इसको बुक्स मिली थी बहुत प्यारी प्यारी, और कैश मिले थे, और थोड़े बहुत कपड़े जो थे वो बहुत ही प्यारे थे। ये मेरी फ्रेंड शुमाइला ने और अशीन ने दिए थे कपड़े, जो फ्रॉक था बहुत ही खूबसूरत था। मालिन बहुत खुश हो रही थी इसको देख के। जज़ाकुमुल्लाह खैर सब दोस्तों के लिए, अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में इजाफ़ा फरमाए, और आपकी औलादों को नेको सालिया बनाए, आमीन सुम आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर लुबना, आपका गिफ्ट बहुत प्यारा था। तो ये जो है ये रेसिपी बुक्स मालिन जो है देख के खुश हो गई थी, कह रही थी मामा मैं इसे देख देख के जो ना आप गिफ्ट खाने बनाया करूँगी। सो अल्हम्दुलिल्लाह सुमा, अल्हम्दुलिल्लाह ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई गपशप के साथ, और कुछ नए बातों के साथ, और नई इंफॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए मैं चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।